आज की वीडियो में मैं आपको पेटीएम बैंक के अंदर जो बैन लगा है उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं क्या वो दोबारा से चालू होंगी या नहीं। जी हाँ, जो इसके ऊपर बैन लगा है वो बैन कब तक हटेगा, या बैन के बाद यानी कि जो पेटीएम वॉलेट की सर्विसेज हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज हैं, या पेटीएम के अंदर जिन लोगों ने लोन वगैरह ले रखा है, या जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है, या जिनके यहाँ पर फास्टैग के अंदर पैसा पड़ा है, तो उन लोगों को यहाँ पर क्या करना है, या इंतज़ार करना है, उस बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, या इसके बैन अनबैन होने का इंतज़ार करना है। जी हाँ, इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। आप सभी को मालूम ही होगा 31 जनवरी 2024 के अंदर पेटीएम के ऊपर RBI ने बैन लगा दिया है। जी हाँ, बैन लगा है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। अब यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो बैन लगा है, पहले आप सभी के यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो पेटीएम कंपनी है यानी कि दो हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि पेटीएम जो कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन नाम से है, लेकिन इसके अंदर एक पेटीएम पेमेंट बैंक भी है जो अलग है। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो चीज़ें आई हैं वही बैन हुई हैं। जी हाँ, अब चार चीज़ें पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आती हैं। सबसे पहली चीज़ हो गई पेटीएम का वॉलेट। जो पेटीएम का वॉलेट होता है ये सब नंबर एक पर आता है। दूसरा होता है पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि जो पेटीएम के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन होते थे उसे ये भी इसके अंडर आता है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। तीसरी चीज़ हो गई कि इसके अंदर जो UPI वगैरह आप बनाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी यहाँ पर UPI वगैरह बना रखी है, और पेटीएम के अंदर UPI बनाते हुए लास्ट में आता है @PayTM, तो वो यहाँ पर UPI हो गई, तो ये इफेक्ट होगी। चौथी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है फास्टैग। जी हाँ, फास्टैग जो पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से बना था, लोगों ने बनवाया था, तो यहाँ पर ये चारों चीज़ें इफेक्ट होंगी। पहला वॉलेट, दूसरा पेटीएम पेमेंट बैंक, तीसरा UPI, और चौथा यहाँ पर फास्टैग। तो यहाँ पर ये चार चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट होने वाली हैं, और ये इफेक्ट कब होंगी, 29 फरवरी के बाद। अभी से लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, यानी कि जो ये इनके घबराहट है कि इनका जो पहला पैसा पड़ा है फास्टैग के अंदर और इनके वॉलेट के अंदर और पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल दिखा देता हूँ, ऑफिशियल ईमेल आया है पेटीएम की तरफ से। तो यहाँ पर ईमेल के अंदर यहाँ पर साफ साफ इन्होंने RBI की तरफ से जो इनके पास रोक लगी है उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है इस बात को कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो बैन लगा है उससे यहाँ पर जिन लोगों का मौजूदा अकाउंट है और उस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस पड़ा है उस पर किसी भी तरीके का यहाँ पर रोक नहीं लगी है। उसे वो कस्टमर निकाल सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 29 फरवरी के बाद भी शायद इसके अंदर कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे कि 29 फरवरी के बाद भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, 29 फरवरी से पहले या 29 फरवरी के बाद यहाँ पर आपके पास डिपॉजिट आने बंद हो जाएंगे, ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, ना ही किसी तरीके का, यानी कि आने वाले यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका मौजूदा बैलेंस है वो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सेफली यही रहेगा, जैसे कि मैं सजेशन के तौर पर आपको दे देता हूँ कि अगर आपका वॉलेट के अंदर बैलेंस पड़ा है, या आपका यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा है, या आपका यहाँ पर फास्टैग के अंदर बैलेंस पड़ा है, तो वो यहाँ पर आप उसे सेफली किसी दूसरे बैंक के अंदर या किसी दूसरे वॉलेट के अंदर शिफ्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ पर पता नहीं। वैसे तो पेटीएम यहाँ पर टाई अप करने की बात कर रहा है कि किसी दूसरे बैंक के साथ यहाँ पर टाई अप कर लेगा, और टाई अप होने के बाद यहाँ पर सभी दो चीज़ें यानी कि वॉलेट वगैरह और यहाँ पर UPI और फास्टैग वगैरह, ये तीनों चीज़ें आसानी से किसी दूसरे बैंक के साथ टाई अप होने के बाद यूज़ हो सकती हैं, तो वो यहाँ पर टाई अप कर लेगा। और टाई अप अगर हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी कस्टमर को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है। जी हाँ, कब तक टाई अप होगा, कब पता नहीं, कब यानी कि कब ठीक होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पर सेफ यही बताया गया है कि आप यहाँ पर सेफली अपनी यानी कि अपना अपना बैलेंस सिक्योर रखने के लिए उसे दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, वो देख लीजिएगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पर जिन लोगों ने पेटीएम के साथ लोन ले रखा है, यानी कि लोन ले रखा है, इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर चार चीज़ें आती हैं, वॉलेट आता है, पेटीएम पेमेंट बैंक आता है, फास्टैग आता है, और UPI आता है। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं जैसे इंश्योरेंस हो गया या जितनी भी चीज़ें दूसरी आती हैं उनके अंदर वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इंश्योरेंस वगैरह या जिन्होंने लोन वगैरह ले रखा है तो उसकी पेमेंट वगैरह यानी कि इंटरेस्ट वगैरह उनके अकाउंट में चलते रहेंगे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से रहते हैं, तो थर्ड पार्टी से यहाँ पर किसी भी तरीके का पेटीएम पेमेंट बैंक का लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर आप मैंने बता दिया कि ऑफिशियल अपडेट आने तक, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा कि ये चालू कब होगा, शुरू कब होगा, आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तब तक मैंने आपको यहाँ पर सिक्योर रहने के लिए बता दिया कि अगर आपका पेटीएम वॉलेट के अंदर बैलेंस पड़ा है, बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है, फास्टैग के अंदर बैलेंस पड़ा है, तो आप उसे दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं
बाकी जो चीज़ें हैं जो 197 कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो बस आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक।